बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स फ्रॉम अबू धाबी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दें। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी सैल्मन की। तो चलें करते हैं स्टार्ट। क्रिस्पी सैल्मन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ़िश रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg फ़िश ली है और इस पर मैंने 1 teaspoon सॉल्ट डाला है। तो अच्छी तरह से सॉल्ट को आप स्प्रेड करके डाल दें कि फ़िश के सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। 1/2 teaspoon मैंने यहाँ पर इसके ऊपर टर्मेरिक डाला है और आप सब देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है सारे पीसेस में। और 1 teaspoon मैंने यहाँ पर रेड चिली का फुल ऐड किया है और इसको भी हमने सिमिलरली सेम मेथड से सारे पीसेस के ऊपर डालना है। और अब हम डालेंगे लेमन जूस। तो यहाँ पर मैं बॉटल लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ 2 teaspoon। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 1 big lemon भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लेमन स्मॉल वाले हैं इंडियन स्टाइल में तो वो आप 2 ऐड कर सकते हैं। अब इस फिश को हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1/2 hour के लिए, और अब हम बाकी का इसका बैटर तैयार करेंगे जिसमें हमने इसको डिप करके फ्राई करना है। तो यहाँ पर 1 1/4 cup मैंने इसमें ग्राम फ्लोर लिया था। तो जितनी भी क्वान्टिटी आपकी फ़िश की है उसके हिसाब से आपने ये लेना है। 1 teaspoon मैंने बैटर में भी सॉल्ट ऐड किया है। 1 full teaspoon मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। साथ ही में मैंने इसमें 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 teaspoon ही इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, भर कर डालना है आपने। और साथ ही में मैंने इसमें 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और पिंच ऑफ टर्मरिक या 1/2 teaspoon टर्मरिक आप ऐड करें और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर को इतना थिक कर लेंगे कि इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी नॉर्मल टू मीडियम हो। बहुत ज़्यादा थिक बैटर आपने नहीं बनाना, वरना बहुत ज़्यादा फ़िश को थिक बैटर लगने से कोटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और फ़िश अंदर से कुक नहीं होगी। तो बैटर को बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रखना है। और 1/2 hour के बाद मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल लिया है और ऑयल को पहले मैंने 5 minutes के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और अब मैं बैटर में डिप करके फ़िश को डायरेक्ट इसको ऑयल में डाल रही हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। तो 5 to 7 minutes के लिए आपने ईच साइड कुक करना है, इन बिटवीन आप साइड चेंज कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से अपनी फ़िश को कुकिंग टाइम दें ताकि फ़िश अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और इसको रेडी करने का तरीका यही है कि आपने इसको एकदम हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ कोटिंग कुक हो जाएगी और फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारी गर्म गर्म क्रिस्पी फ़िश रेडी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।